क्या हो गया? वरना इतने चैन से बात कर पाता क्या? तो चलिए। कहाँ? अब बाथरूम यूज करना था, आपने कर लिया, आप चलिए। मतलब कहाँ जाऊँ? इतनी आसानी से चला जाऊँ? उसके लिए रुकू भी नहीं? ना ना भाई साहब, आज तो फैसला करके जाना है। फैसला? पहले मैडम को तो आ जाने दीजिए। आपको मालूम है हम कब से बाहर खड़े हैं? रोज दोपहरिया को आते हैं कि आज पकड़ेंगे, आज पकड़ेंगे, मगर आज रहा नहीं गया। एक बार तो बैल भी बजाई थी, मगर मालूम था दरवाजा नहीं खुलेगा। वो घंटी आपने बजाई? याद है ना? अब सोचिए हम कितनी देर से बाहर खड़े हैं। बारिश का दिन, ठंडी हवा, पसीना भी नहीं आता कि कहीं भाया होकर निकल जाए तो उसमें बिलाडर का क्या फॉल्ट है? फॉल्ट तो है हमारी किस्मत का, जो कुत्ते से भी बदतर है। पूछे कैसे? हमारा घर, हमारा बाथरूम, और हम ही नहीं जा सकते। भाई वाह। आई एम सॉरी, आप हैं? आप रिक्शे से उतरे, घंटी बजाई, दरवाजा थोड़ा खुला बंद हुआ, हम फौरन ताड़ गए। पर ये रेनकोट वाला मामला थोड़ा नया था। एक बात फ्रेंकली पूछे, कितना चार्ज कर रही है? मतलब? मतलब ये कि फ्री ऑफ कास्ट तो कोई कुछ देता नहीं है ना कुछ तो पे करना ही पड़ता है ना। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्यों बकवास क्यों? भरी दोपहर में चुपचाप सारी फिटिंग करके चले जाइएगा। अच्छा पूरा ना सही, थोड़ा सा ही बता दीजिए डिटेल में। आप बताएंगे कि लौटने पर उसी से पूछूं मैं? सही कह रही थी वो, बहुत शक्की हैं आप। लेकिन आप तो जापान जाने वाले थे। जापान? दिल्ली जाने की बात थी, वो उसे मालूम हो गया होगा, पर गया नहीं, दाना डाला था। उस टाइम आउट ऑफ स्टेशन जाना ठीक नहीं रहता। रोज दोपहर में आकर यहां जमा रहता हूं कि शायद किसी दिन हाथ लग जाए। पर ये जापान वापान के बारे में किसने बताया आपको? उसी ने। मैंने पूछा तो कहा कि हस्बैंड प्लेन में जापान जा रहे हैं। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आप क्या हमको उसका हस्बैंड समझ रहे हैं? फिर? इसका मतलब मैं दिखने में अभी भी जवान हूं, फिट फाट हूं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग माय डे। मैं समझा नहीं। देखिए भाई साहब, हम उसके कुछ नहीं लगते हैं, हम यहां के मकान मालिक हैं, लाइन लॉर्ड। शाम ढले सखियां सब लौट गई सारी, अकेले हम नदिया किनारे।